इस चकनिया की नौजवानों ने एक बार पीड़ा उठाया है और इस चकनिया के नौजवानों के सहयोग संघर्ष में सहयोग करने के लिए मैं इस चकनिया के सारे लोगों का आह्वान करता हूं कि आज नहीं तो फिर कभी नहीं। आज इस संगठन के नौजवानों का हौसला बढ़ाएं और कल के चकनिया के भविष्य का निर्माण करें, यही मेरा निवेदन है। इसके साथ ही मैं इस धरने में उपस्थित व्यापार मंडल के अध्यक्ष बड़े भाई वीरेंद्र पांडे जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने इस धरने का समर्थन करते हुए दर्ज कराई है। इसके साथ ही मैं चाहूंगा अधिकारी लोगों से, विशेषकर आप लोग भी इस समस्या से पीड़ित हैं। ये समस्या केवल हम लोगों की नहीं है, ये जखनिया के कणकड़ की समस्या है, जखनिया के लोगों की समस्या है, जखनिया के अधिकारियों की समस्या है। अगर इस समस्या का समाधान होगा तो आपकी भी आप भी अच्छे ढंग से चलेंगे। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई सुनील सिंह दीक्षित जी, आपने जखनिया के सड़कों को लेकर जो आपने अभी आह्वान किया है कि आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इससे सारे लोग पीड़ित हैं और सारे लोग कहीं ना कहीं से इसकी चर्चा करते हैं, बात करते हैं। सारे लोग आते हैं जखनिया बाजार में और अपने, मैं सारे अधिवक्ता बंधु हैं, अधिकारी बंधु हैं, यहाँ प्रशासन के लोग हैं, सारे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि अपने चार चक्का वाहन में अगर बैठ के आते हैं तो कीचड़ नहीं पड़ता है, मोटरसाइकिल से और मोटरसाइकिल से जाने वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं छोटे छोटे विद्यालय जाते हैं, बच्चियां जाती है क्षेत्र की, उनके परिवार की, उनकी क्या दुर्गति होती है, उनकी क्या दशा होती है, यह सोचने की बात है। क्या इसकी इस तरह इसके ओर कभी किसी का ध्यान गया हो तो आप बताएं, अगर इसमें किसी की चर्चा होती है तो आप बताएं कि आखिर में सड़कों की जो दुर्व्यवस्था है, दुर्व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने का किसी ने अगर काम किया तो आप बताएं। आज जो सड़कों की समस्या है, मातृभूमि संगठन ने जो उठाना है कि जब तक सड़क नहीं तब तक यह आंदोलन खत्म नहीं होगा, जब तक सड़क पर काम नहीं लगेगा, सड़क काम शुरुआत नहीं होगा तब तक यह धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, अनुरोध चलता रहेगा और इसके जो संबंधित अधिकारी है इस धरना स्थल पर आकर उनकी जवाबदेही बनती है तो वह आकर बताएं कि आखिर में क्या वजह है, क्या कारण है कि आखिर में इस रोड की यह दुर्गति और जखनिया के लोग इस बदहाली को झेलने के लिए मजबूर है। मैं प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोग सुबह से इस कार्यक्रम में हमारे साथ खड़े हैं। मीडिया बंधु मेरे भाई अजीत विक्रम यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आनंद प्रताप जी आप मीडिया से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश भैया हमारे बड़े भाई कमलेश यादव जी आप मीडिया से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस धरना प्रदर्शन में।